हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में अपना पार्ट 3 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था स्पेस मैनेजमेंट, राइट। तो आई जस्ट होप आप लोग ने यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, रीड कर लिया होगा। स्टिल डाउट होता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से नया टॉपिक जिसका नाम है बाथिंग एरियाज़, ठीक है। बाथिंग एरिया नाम से समझ में आ रहा है, बाथिंग मतलब नहाना, है ना। तो जहाँ हमारा वॉशरूम होता है, नहाने का जो एरिया होता है। सो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड बाथिंग आर यूजुअली डन इन द बाथरूम। तो कपड़े धोना है या फिर नहाना है, तो ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें हम बाथरूम में करते हैं। काफ़ी घरों में बाथरूम में होता है, काफ़ी घरों में मैंने देखा है बालकनी पे भी वॉशिंग मशीन रखी होती है कि ईज़िली वहाँ से हमने कपड़ा धोया, फिर वहीं स्पिन हुआ, फिर उठा निकाला और वहीं पर फैला दिया, है ना। तो अलग अलग सिस्टम होता है। देयरफॉर अ बाथरूम नीड्स स्टोरेज एरिया फॉर सोप, वॉशिंग पाउडर्स, ऑयल, अदर टॉयलेटरीज एंड बाथ लाइनन। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमारे मैनेजमेंट सारी होने चाहिए, जैसे सोप होना चाहिए, डिटर्जेंट होना चाहिए, जो जो चीज़ें हमारे ज़रूरत की हैं वहाँ पे सब अवेलेबल होनी चाहिए। इन एडिशन इट नीड टू हैव प्रॉपर वाटर सप्लाई, वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए कि पानी वहाँ पे जम रहा है, पानी नहीं जा पा रहा नाली से, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, वहाँ पे सारी चीज़ें, ड्रेनेज फैसिलिटी हो। द फ्लोर और द बाथरूम मस्ट हैव अ स्लोप लीडिंग टू मेन ड्रेनेज पॉइंट। और वहाँ पे स्लोप कुछ इस तरह से होना चाहिए, मतलब ढलान ऐसी होनी चाहिए कि जो भी पानी का काम हम कर रहे हैं तो वाटर जो है अपने आप ही वो ड्रेन होकर के जो भी जहाँ से निकलने का रास्ता है पानी का वो वहाँ से निकल जाए, है ना। तो फ्लोर जो है इसी तरह से होना चाहिए। और फ्लोर शुड ऑल्सो बी नॉन स्लिपरी। अच्छा, मतलब कि जो ज़मीन है, फ्लोर है बाथरूम का, वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए कि स्लिप होने का डर हो, ठीक है। मतलब स्लिप करके गिर जाना, चोट लग जाना, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। Care should be taken to locate all electrical points in a matter that they are away from the water source to prevent any accident। और साथ ही साथ जो है बाथरूम में जो हमारे वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पर जो प्लग पॉइंट्स होते हैं, अंदर हर बाथरूम में होता है, तो वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे पानी ना पहुँच सके, ठीक है। पानी पहुँचने का डर ना हो, क्योंकि अगर पानी की छीट उस पर पड़ती है या पानी उस पर चला जाता है तो करंट लग सकता है, पूरे बाथरूम में करंट फैल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई किसी की जान जा सकती है। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो, इसलिए उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। और If a washing machine is used for washing clothes, then there should be provision for keeping it in the bathroom or in an area specially assigned for washing clothes. Adequate arrangement must be made there to store soiled clothes so that you do not have to collect them from every nook and corner of your house. तो basically अब अगर washing machine भी वहीं bathroom में है तो अरेंजमेंट उसके हिसाब से एक तो होना ही चाहिए। दूसरा, जो गंदे कपड़े हैं उसका अरेंजमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, या तो लॉन्ड्री बैग हो या जितने भी गंदे कपड़े हैं आप वॉशिंग मशीन के अंदर ही डाल के रखो, है ना। जब एक दिन आए तो उसके अंदर से ही निकाला, एक बार में कलेक्टेड रहेगा बेसिकली एक जगह। तो जो भी घर में कपड़े धोता है, हमारी मम्मियाँ हैं या कोई भी अगर हमारे घर में कपड़े धोता है तो उसको ईजी रहेगा, नहीं तो उसको क्या होगा, हर तरफ से घर के कोने कोने से कपड़ा ढूँढ कर लाना पड़ेगा कि अरे यार यहाँ पर पड़ा होगा, वहाँ पे भी पड़ा होगा। तो वो कहीं ना कहीं टफ होता है, एनर्जी जाती है, टाइम जाता है और प्रॉब्लम भी होती है, इंसान थक जाता है बुरी तरह। तो एक जगह पे कलेक्ट करके गंदे कपड़ों को रखना ज़रूरी है। दूसरा, the area for drying the cloth line should be near the washing area so that unnecessary movement बिटवीन वॉशिंग एंड ड्राइंग एरिया इज़ अवॉइडेड। दूसरी चीज़ ये, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बताया था आप लोग को कि अगर वॉशिंग मशीन जहाँ पे है दैट्स गुड। अगर वहाँ पर अगर आप अरेंजमेंट ऐसा करके रखो कि अगर आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए फिर स्पिन करे तो वहीं से निकाल के ईज़िली फैला लो, है ना। अगर ऐसा सिस्टम है कि वॉशिंग मशीन अंदर है, फिर आपने कपड़े धोए, फिर आप उसे निचोड़ो, या फिर आपने वॉशिंग मशीन लगाई, आपने स्पिन कर लिया, उसको निकाला, फिर हाथ में कलेक्ट करके या बाल्टी में डाल कर लेके जा रहे हो आप, है ना, या तो छत पर लेके जा रहे हो या फिर अपने बालकनी में लेकर जा रहे हो, वहाँ पर फिर ले जाकर झटक के फैला रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी बहुत टफ हो जाती है एक वुमेन के लिए कि इतना इधर से उधर भागम भाग, है ना, बाल्टियों भर के कपड़ा लेकर जा रही है, फिर फैला रही है, फिर वापस पलट के आ रही है, फिर दूसरे राउंड में कपड़ा धो रही है बाकी का, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट में ही आती है। तो अवॉइड करिए इस तरह की चीज़ें। और दूसरा, कोशिश करिए कि जहाँ पर आप कपड़े धो रहे हैं वहीं पर फैलाने की भी जगह हो। सो इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है स्लीपिंग एरिया। सो स्लीपिंग एरिया तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जहाँ हम सोते हैं हमारा बेडरूम होता है ना। सो स्लीपिंग एरिया इज़ यूजुअली एलोकेटेड इन द बेडरूम। द बेडरूम इज़ मेंट फॉर रेस्टिंग, स्लीपिंग, ड्रेसिंग। तो ये सारा काम हम वहाँ करते हैं। इन एडिशन इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्टडी पर्पसेज़। और बहुत घरों में हम अपने बेडरूम को ही एज अ स्टडी पर्पज़ के तौर पर भी यूज़ करते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अ स्टडी टेबल, लाइट एंड स्पेस फॉर स्टोरिंग बुक्स विल हैव टू बी मेड फॉर इट। और अगर आपको स्टडी पर्पस से उस कमरे को इस्तेमाल करना है, अपने बेडरूम को, तो वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, जैसे स्टडी टेबल हो, लाइटिंग सही से होनी चाहिए, स्पेस हो ताकि आप अपनी किताबें वगैरह वहाँ रख सकें आराम से, है ना। इफ़ द बेडरूम इज़ स्मॉल, अगर कमरा छोटा है, देन द बेड्स कैन बी सो मेड दैट द चिल्ड्रेन बेड्स कैन बी अंडर द बिग बेड एंड पुल्ड आउट वैन एवर रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर कमरा छोटा है तो डबल बेड बड़ी सी हम रखेंगे तो ऑब्वियसली स्पेस पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बेड कुछ इस स्टाइल की होनी चाहिए कि हम उसे खींच करके निकाल लें, या मतलब कुछ जस्ट एग्जांपल के तौर पे जैसे ये है ना। तो बच्चों की जो इस तरह की बेड होती है वो हम रख सकते हैं, ये स्पेस कम घेरती है। या फिर जैसे ये स्लाइडर वाली बेड होती है कि नीचे से हमने एक लेयर खींचा तो एक और बेड निकल आया, फिर हम जब सुबह सोकर उठे तो हमने वापस अंदर पुश करके डाल दिया, है ना। तो ये कुछ स्टाइल है जो कि आप अपने कम स्पेस वाली जगह में इस तरह के बेड्स रख सकते हैं। इन द बेडरूम, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, ऑल्सो बंक बेड्स एंड फोल्डिंग बेड्स कैन बी यूज्ड। अच्छा, बंक बेड और फोल्डिंग बेड भी यूज़ हो सकती है, जैसे कि चरपाई वगैरह होती है विच इज़ यूज कैन बी मूव्ड आउट व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो मतलब बेसिकली जो चरपाई नहीं होती है, जो कि बेसिकली हम दोनों साइड से दो लोग पकड़ के खोलते हैं, फिर वो अगर जब यूज़ हो जाती है तो हम उसे खड़ा करते हैं, फिर फोल्ड करके कहीं पर साइड में खड़ा कर दिया जाता है उसे। बहुत घरों में आज भी इस तरह से चरपाई वगैरह यूज़ होती है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है आपका। अगर स्पेस आपको बचाना है, खाली रात के टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत है, आपने खींचा, उसे खोला, बिछाया, फिर सुबह उठे, वापस फोल्ड करके खड़ा कर दिया, तो आपका स्पेस बचा रहता है ना। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, इन द बेडरूम द बेड कैन हैव बॉक्सेस और ड्रॉर्स विच कैन बी यूज फॉर स्टोरेज इन द प्लेस ऑफ कबर्ड्स और शेल्फ्स। मतलब कि कबर जो एक तरह से ड्रॉर्स आपके हो सकते हैं बेड में, ये जो कि आपका एक स्टोरेज एरिया बन जाए जहाँ अपने कपड़े या जो भी आपका सामान है वो वहाँ पर रख सकते हैं, एक शेल्फ टाइप का, है ना। और फॉर ईजियर क्लीनिंग अंडर सच बेड्स दीज कैन बी प्रोवाइडेड विद व्हील्स। इनफ स्पेस फॉर बोथ साइड्स ऑफ द बेड शुड बी लेफ्ट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दी मेकिंग ऑफ दी बेड्स। अच्छा, मतलब बेसिकली कुछ बेड्स वैसे मैंने देखे नहीं है ऐसे लाइव, लेकिन हाँ इसमें जो बताया जा रहा है कि बेड जो है वो इस तरह की हो कि उसमें व्हील्स लगे हों, पहिए, ठीक है, जिसको हम ईज़िली खींच करके मूव कर सकें। क्योंकि होता है ना, मतलब जहाँ पे हमारी बेड लगी हुई होती है, बिछी हुई होती है, वो फिक्स होती है, तो हम उसके नीचे तक, उसका जो नीचे का फ़र्श होता है, ज़मीन होती है, उसकी हम सफाई नहीं कर पाते। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि अगर बेड में व्हील हो तो दैट इज़ ईजी। अगर आपको सफाई करना है तो ईजी रहता है, आपने पुल करा, बेड को खींचा, वो व्हील लगी है तो खिंच जाएगी आराम से, फिर आपने सफाई कर लिया, उसके बाद वापस पुश करके उसे अपनी जगह पर कर दिया, है ना। तो ये एक तरीका है, जस्ट लाइक अपना अगर हाइजीन मेंटेन करना है, फ़र्श की सफाई करनी है तो उसमें हेल्पिंग है। दूसरा, हाँ, द साइड टेबल कैन बी यूज ऑन ईदर साइड ऑफ द बेड फॉर कीपिंग स्मॉल आइटम्स रिक्वायर्ड रेगुलरली लाइक टेबल लैम्प और वॉच, books, water, etc. Instead of a dressing table, a mirror can be fixed on the wall to save space. अच्छा, अब जैसे अब आपका बेड है तो मूवीज़ वगैरह में या बेसिकली घरों में भी मैंने देखा है कि जो बेड होती है जस्ट उसके बगल में एक छोटा सा टेबल होता है जिसमें हम टेबल लैम्प, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, है ना, और उस पर हम छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस ना घेरे, वो छोटा सा टेबल हो, उस पर हम लाइट लगा सकते हैं, प्लस अपना घड़ी हो गई, अपने कुछ ईयर टॉप्स हो गए, तो वो सब रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस होता है जस्ट बेड के बगल में, तो वो इजी रहता है अपनी चीज़ें वहाँ पे स्टोर करने के लिए, है ना। और दूसरा, यहाँ पे बोला है कि इंस्टेड ऑफ अ ड्रेसिंग टेबल जो होता है पूरा, जिसपे हम अपने परफ्यूम, क्रीम्स, कंघे, इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो उसमें मिरर भी लगा हुआ होता है ना। तो वो अगर आपका कमरा छोटा है तो वो पूरा फर्नीचर वो उस टाइप का रखने से अच्छा है कि आप दीवार पे मिरर लगा लीजिए और इस तरह के अपने सामान कोई ऐसी हैंडी जगह पे स्टोर करके रखिए जहाँ से आप निकाल करके यूज़ करके वापस उस जगह पे रख के वो ड्रॉअर बंद कर दीजिए या जिस तरह से भी आप सेटअप करना चाहें वो कम स्पेस में आप कर सकते हैं, है ना। दूसरा प्रोविज़न फॉर अ स्टडी टेबल कैन ऑल्सो बी मेड इन द बेडरूम। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर स्टडी टेबल और अ फोल्डिंग टेबल विच कैन बी ओपन व्हेन रिक्वायर्ड। और स्टडी टेबल अगर जैसे अपने बेडरूम में ही आप अपना स्टडी वगैरह भी सब कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से इंतज़ाम होना चाहिए कि कमरा अगर छोटा है तो आपकी टेबल भी फोल्डिंग वाली हो कि आपने जब पढ़ना है तो आपने वो टेबल निकाली, उसे खोला, बैठे, पढ़ाई कर लिया, फिर चेयर और टेबल दोनों फोल्ड करके साइड में खड़ा कर दिया, है ना। तो क्या होगा, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब आप वो आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल है। फिर अगर वो स्पेस घेर रही है तो आपने उसे फोल्ड करके साइड में खड़ा कर दिया तो आपका स्पेस भी मिल जाएगा, आपका काम भी वहीं पर हो जाएगा। सो दैट इज़ ईजी। और दिस स्टडी टेबल कैन ऑल्सो बी लाइक द डाइनिंग टेबल फिक्स्ड इन द वॉल अबाउट विच यू हैड स्टडीड अर्लियर। हियर द वॉल स्पेस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग बुक्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स। तो जैसे कि मैंने बताया भी था, तो जस्ट अगर सेटअप इस तरह का कर पाएँ हम तो अगर कमरा छोटा है तो टेबल वगैरह जो दीवार में फ़िक्स हो जाती है वो बेसिकली उसका तो काम करवाना पड़ता है। ये कुछ इस तरह का नहीं है कि हाँ ईज़िली हर घर में अवेलेबल होता है, क्योंकि उसके पीछे फिर पूरा लग के दीवार तोड़वानी पड़ेगी, स्टाइलिश तरीके से बनवानी पड़ेगी, फिर एक टेबल इस तरह से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा कि हम दीवार में से ही टेबल जो है पुल करके निकाल लें, काम कर लिया, फिर दीवार में ही वापस फिक्स कर दें, है ना। उसी में चेयर भी लगी होती है तो हम उसको निकालेंगे, खोलेंगे, बैठेंगे, फिर काम हो गया, उसे फोल्ड करा, टेबल के ऊपर रखा, फिर टेबल उठा करके दीवार में फ़िक्स कर दिया। तो वो सब सेटअप के लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट मतलब कि खर्चा होता है, ठीक है। तो अगर कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर छोटी जगह पर इस तरह के इंतज़ाम हो जाए तो काफ़ी सूटेबल रहता है। ओके, तो वॉल स्पेस को भी हम एक तरह से दीवारों को भी इस्तेमाल करके अपने चीज़ों को फिक्स करके जगह निकाल सकते हैं। द अलमीरा और वार्डरोब कैन बी बिल्ड इन द वॉल एंड अप टू द सीलिंग लेवल। तो जो अलमीरा वार्डरोब जो होती हैं वो भी दीवारों में बनाई जा सकती है, यहाँ पे बोला गया है, जहाँ पे हम बेसिकली अपने कपड़े वगैरह रखते हैं। तो वो भी अगर दीवारों में कहीं इस तरह से डिज़ाइन करके बना दिया जाए जो कि सूटेबल हो, उसमें हम डोर लगा दें, उसे खोला हमने, वहीं पर अलमीरा है, अपने कपड़े निकाले, वहीं रख रहे हैं, तो ये भी एक तरह से। और हाँ, सीलिंग लेवल बोला गया कि जो ऊपरी तौर पे जो हमारे रूफ़ एरिया होता है ना, ऊपर की तरफ दीवार में, तो वहाँ पे भी हम अलमीरा, पहले घरों में यही होता था कि ऊपर सीलिंग में एक अलमीरा टाइप शेल्फ़ बना दिया जाता था दीवार का, और अगर हम और काम करवाएं तो उसमें हम डोर्स लगवा लेते थे, दरवाजे, है ना, तो हम उसे खोल करके उसमें बड़े बड़े सामान डाल सकते हैं। हाँ, डेली पर्पज़ से उसे यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ऊपर होता है तो हमें चढ़ करके वहाँ से निकालना पड़ता है, जो हमारे लिए टफ़ होता है, डेली रूटीन में हम वो चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते। तो हाँ, बड़े बड़े बर्तन हो गए या कुछ बहुत कब लिमिटेड चीज़ें यूज़ होती हैं तो हम उसको ऊपर सीलिंग वाले एरिया में डाल देते हैं। तो इट विल क्रॉस लेस फ्लोर स्पेस। तो ये जो फ्लोर स्पेस है आपका निकल आएगा, नीचे आपका ज़्यादा सामान नहीं फैला रहेगा। एंड प्रोवाइड द नीडेड स्टोरेज स्पेस। ओके, इफ़ द स्लीपिंग एरिया इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन द लिविंग रूम इटसेल्फ as in the case of one room apartment, then a divan and folding beds can be provided for sleeping। तो मतलब divan, folding beds वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है सोने के लिए रात के समय। ओके, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये, इतनी तो मतलब हमारे डेली रूटीन में इस तरह की चीज़ें जो कि बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो ये सब चीज़ें तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, हम लोग देखते ही हैं, है ना। कभी जगह नहीं है घर में, घर छोटा है, या अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो कुछ कुछ दिनों में हमारा घर बदल रहा होता है, तो कैसा घर है, कमरा छोटा है, उसके हिसाब से कौन सी बेड, कैसी बेड, फोल्डिंग बिछानी है कि चटाई बिछा के सोना है, तो ये सब चीज़ें इंतज़ाम चलता रहता है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है स्टडी एरिया। अब हमारे पढ़ाई करने की जगह। द स्टडी टेबल शुड बी प्लेस्ड वेयर देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर गुड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग विद लीस्ट डिस्टर्बेंस। अच्छा, इट कैन बी इन द बेडरूम एज डिस्कस्ड अर्लियर। जैसे मतलब ये हमारा बेडरूम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमारा स्टडी रूम अलग से ही मिले हमें। और इट कैन बी क्लब्ड विद द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम के साथ भी हम एक तरह से जोड़ करके अपना स्टडी रूम के तौर पे उसे यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल पे बच्चों को मम्मी बैठा के पढ़ा रही होती हैं, बहुत घरों में देखा है मैंने, तो वो भी स्टडी के पर्पज़ से यूज़ हो जाती है कई बार। और बुक शेल्फ और कैबिनेट कैन बी एकमेंडेटेड और ऑन और अलॉन्ग द वॉल टू कीप बुक्स एंड स्टेशनरी। तो इस तरह के वॉल्स और कैबिनेट्स जो बने हुए होते हैं बुक शेल्फ, तो वहाँ पे हम स्टेशनरी आइटम्स, अपने किताबें वगैरह सब रख सकते हैं। ओके, और दूसरा यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में बोला गया था कि हाँ स्टडी टेबल आपकी जहाँ पे हो वहाँ पे कोशिश करिए इस तरह से, इस जगह पे आप अपनी स्टडी टेबल लगाइए कि वहाँ नेचुरल हवा आती जाती रहे और नेचुरल लाइट आपको मिले और बहुत डिस्टर्बेंस ना हो, शोर शराबा ना हो। टेलीविज़न के आसपास आपका स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला घर का कोई और मेंबर टीवी देख रहा है, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। दूसरा है फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन एरिया। Entertainment area is where all members of the family get together, chat, watch TV or do any similar work। तो मतलब entertainment area हमारे घर का वो होता है जहाँ पे हम बेसिकली पूरा परिवार बैठ करके TV देख रहा है, बातें कर रहा है, हंसी मजाक चल रहा है या कुछ similar work हम बैठ के सब लोग कर रहे हैं। This can either बी इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम हो सकता है वो हमारा एंटरटेनमेंट एरिया, और देयर कैन बी अ सेपरेट लिविंग रूम, या फिर एक सेपरेट अलग से, अगर घर बड़ा है तो अलग से एक सेपरेट लिविंग रूम होगा आपका, ठीक है, जहाँ पे लिविंग कम बेडरूम टाइप का हम उसे बोल सकते हैं। फॉर्मल एंटरटेनमेंट शुड बी इन द ड्राइंग रूम, इफ़ दिस रूम इज़ लार्ज इनफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर यही रूम जो है इतना बड़ा है, आपका ड्राइंग रूम ही एक तरह से इतना बड़ा है, तो आप उसको दो तरीके से डिवाइड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वन फॉर सिटिंग पर्पस, जैसे यहाँ पे सोफ़ा हो गया, सोफ़ा सेट लगा है, चेयर टेबल, ठीक है, अरेंजमेंट है। डाइनिंग रूम एक तरह से हो गया जहाँ पे आप बैठ के खा पी रहे हैं या कोई मेहमान आ रहा है तो आप उसे वहीं पर बैठा रहे हैं। और दूसरा हो गया द डिवाइडर बिटवीन द टू एरियाज़ कैन हैव शेल्व्स, मतलब वही एक तरह से एक एंटरटेनमेंट एरिया हो गया, एक इस तरह से हो गया जहाँ पे सोफ़ा सेट वगैरह आपका लगा हुआ है। ऑलराइट, और द डिवाइडर बिटवीन द टू एरियाज़ कैन हैव शेल्व्स विच कैन बी यूज फॉर डिस्प्लेइंग और स्टोरिंग वेरियस थिंग्स। इस तरह से आप अपना शेल्फ वगैरह डिवाइड करके एक स्टोरिंग पर्पस से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द डिवाइडर हैज़ द अरेंजमेंट ऑफ फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, अगर डिवाइडर जो है उसके उसमें ये अरेंजमेंट है कि फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, देन द स्पेस ऑफ द रूम कैन बी यूज फॉर लिविंग रूम और चिल्ड्रेंस प्लेइंग रूम। तो मतलब जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, दीवार में अगर टेबल फिक्स हो जाती है, इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो ऑब्वियसली जब काम होगा आप वापस उस टेबल को, डाइनिंग टेबल को दीवार में फिक्स कर दोगे तो बाकी का जो स्पेस निकल कर आएगा वो बच्चों की खेलने का एरिया हो गया या कोई और टास्क करने के लिए उस एरिया को, आप स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एज मेंशन अर्लियर द लिविंग रूम कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ गेस्ट रूम। तो लिविंग रूम जो है हमने इससे पहले भी पढ़ा कि लिविंग रूम एज अ गेस्ट रूम के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है रात के समय। वेयर फोल्डिंग बेड्स कैन बी स्प्रेड आउट एज पर रिक्वायरमेंट, तो जो फोल्डिंग बेड्स हैं वो हम अपनी वहाँ पर बिछा करके चारपाई वगैरह या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसे हम वहाँ पर लिविंग रूम में बिछा करके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो। ओके, फर्दर द फर्नीचर कैन बी सो प्रोवाइडेड दैट द लिविंग रूम कैन बी यूज फॉर स्लीपिंग एट नाइट, मतलब फर्नीचर इस तरह का होना चाहिए वहाँ पे जो कि रात के समय सोने के लायक भी वो एरिया बन सके। अ सोफ़ा कम बेड कैन बी यूज एज अ सोफ़ा ड्यूरिंग द डे एंड कन्वर्टेड इनटू अ बेड एट नाइट। और सोफ़ा कम बेड हम सबको पता है रात के समय एज अ बेड के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं और दिन भर एज अ सोफ़ा की तरह वो रखा रहता है ना, मतलब मेहमान वगैरह आएँ तो उस पर आकर के बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन रूम हाउस। अब वन रूम हाउस में मतलब क्या होता है, जैसे काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट होता है जहाँ पे एक ही पूरा हॉल है, एक ही एरिया है जहाँ पे किचन भी है, एक डोर लगा है जहाँ पे वॉशरूम का डोर है और बाकी पूरा खुला एरिया है जो कि बस वही एक कमरा है, सामने किचन भी नज़र आ रहा है, उधर की दूसरी तरफ वॉशरूम का दरवाज़ा नज़र आ रहा है, तो बस वो बाकी पूरा एरिया हमारा, कोई बेडरूम सेपरेटली नहीं होता, कोई डाइनिंग रूम नहीं है, कोई लिविंग रूम नहीं है, है ना, कोई स्टडी रूम नहीं है अलग से, वो पूरा एक ही एरिया होता है। यहाँ पे लिखा है कि यू हैव लर्न दैट डिफरेंट रूम्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, बट इफ़ द हाउस कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन रूम देन ऑल दी वर्क सेंटर्स हैव टू बी एडजस्टेड इन दैट रूम। तो मतलब हर तरह की एक्टिविटीज़ हमें उसी उतने ही एरिया में करना होगा। कैन यू मेक अ स्केच टू शो द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वेरियस वर्क सेंटर्स इन द रूम। अब यहाँ पे स्केच बनाने के लिए बोला जा रहा है, जस्ट आप ये वाला डायग्राम देख के समझ सकते हैं। वेल वन सच अरेंजमेंट कुड बी एज फॉलोज, जैसे मतलब अगर एरिया जैसा भी है आपका, अगर एक ही कमरा है उसी में सारे अरेंजमेंट हैं तो इस तरह से कुछ अरेंज किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट टॉपिक की गाइडलाइन फॉर मेकिंग वर्क सेंटर मोर इफेक्टिव। अच्छा, गाइडलाइंस हैं कि वर्क सेंटर को और इफेक्टिव बनाया जा सके, जैसे सर्टेन कॉमन गाइडलाइंस कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द वर्क सेंटर मोर इफेक्टिव। दे आर, पहला है अरेंज वर्क सेंटर इन अ सिक्वेंशलाइज ऑर्डर, मतलब कि अपने वर्क सेंटर को सीक्वेंस में रखिए, सारी चीज़ें आपकी मतलब स्मूथली सारी चीज़ें चल सकें, तो सारे अरेंजमेंट ढंग से होने चाहिए। जैसे किचन में जो है हम वर्क सेंटर, जो हमारा किचन है वहाँ पे हम अपने सारे खाने के प्रिपरेशन हो गया, वॉशिंग, कुकिंग, सर्विंग, ये सारा काम करेंगे। और अगर सारा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर रखा है हमने तो सब कुछ फ्लो में चलेगा। हैव ट्रांसपेरेंट स्टोरेज कंटेनर, मतलब अगर आप किचन में हैं और आपका जो भी डब्बे रखे हैं जिसमें आप दालें रखते हैं तो वो कोशिश करिए ट्रांसपेरेंट हो। दूसरा, अगर ट्रांसपेरेंट है भी तो उसमें लेबल लगा हो जिसमें आप लिख सको कि ये कौन सा डब्बा है, इसमें कौन सी दाल है या कौन सी क्या चीज़ रखी हुई है ना। तो एक तरह से पिक करने में ईजी रहता है, नहीं तो आपको खोल खोल के चेक करना पड़ता है कि इसमें क्या रखा हुआ था। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग वेंटिलेशन इन ऑल वर्क सेंटर्स, तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं मतलब जस्ट ट्राई कि आप घर अगर फ्लैट वगैरह ख़रीदते हैं तो कोशिश करें देख कर ख़रीदिए कि जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो। जस्ट किचन में भी अच्छा वेंटिलेशन हो, आपके पूरे जहाँ भी वर्क सेंटर्स हैं, जहाँ आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या आपका बेडरूम है, हर तरफ वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरा कि मेक ऑल वर्क सेंटर्स ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन, वर्क सेंटर्स आपके इस तरीके के होने चाहिए, इस तरह की सेटिंग होनी चाहिए कि रोज़ वहाँ पे सफाई करना ईजी रहे, ठीक है। एज़ फार एज़ पॉसिबल प्रेफर बिल्ड इन स्टोरेज टू स्टोर कैबिनेट एंड कबर्ड दैट ऑक्यूपाई फ्लोर स्पेस, मतलब कोशिश करिए कि इस तरीके से आप अपना कबर्ड और जहाँ पे भी जब अपना सामान स्टोर करते हैं वो इस तरह से सेटिंग करके रखिए कि वो आपका फ्लोर स्पेस ना जाए उसमें, ठीक है। मतलब दीवारों में इस तरह से इंतज़ाम करवा लीजिए, बनवा लीजिए, या कुछ इस तरह का ऊपर ऊपर की तरफ बनवा लीजिए दीवारों से जो लगी हुई चीज़ें हों, क्योंकि अगर फ्लोर स्पेस जाएगा तो ऑब्वियसली अगर घर छोटा है तो घर ज़्यादा ही भरा भरा सा दिखने लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि लास्ट पॉइंट है इसका, क्रिएट एडिशनल स्टोरेज स्पेस अंडर द स्टेयरकेस बिलो द विंडो स्लैब एंड एज लोफ्ट्स, तो मतलब वही एडिशनल स्टोरेज स्पेस आपका होना चाहिए, स्टेयरकेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है बताई गई है, जो कि बेसिकली हमें डेली रूटीन में सब कुछ पता होता है, अरेंजमेंट किस तरीके से अपने घर में अकॉर्डिंग टू साइज़ हमें कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, हाँ ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्थेटिक। वेन एवर वी आर ऑर्गेनाइजिंग स्पेस फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, आवर एम शुड नॉट बी दैट द सेंटर इज़ फंक्शनल बट इट शुड बी अट्रैक्टिव टू, मतलब जब भी हम अपना घर सजा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि वहाँ पे स्पेस निकल कर आए, तो हमारा ये टारगेट खाली नहीं होना चाहिए कि हमारा स्पेस मिल जाए हमें। इनफैक्ट हमारा टारगेट ये भी हो कि दिखने में घर अच्छा लगे, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द रूम्स इन अ हाउस इंक्लूडिंग किचन एंड बाथरूम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे हर एक रूम में मैटर करती है कि अट्रैक्टिव भी लगे हमारा घर। ऑल रूम शुड बी एस्थेटिकली अपीलिंग, इफ़ अ प्लेस इज़ अपीलिंग यू वॉन्ट टू सिट एंड वर्क देयर। अगर प्लेस जो है आपका, जो जगह है वहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर इस तरह का आप बना के रखेंगे, सजावट हो गई या एक एस्थेटिकली अच्छा सा घर का डिज़ाइन हो, है ना, वो मेंटेनेंस बेसिकली इस तरीके की हो कि वहाँ बैठकर आपको काम करने का मन करे, इस तरह का एटमॉस्फेयर बेसिकली आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। इफ़ द प्लेस इज़ अपीलिंग यू वॉन्ट टू सिट एंड वर्क देयर, इट इज़ इट ऑल्सो हेल्प इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी। आपकी जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आपका एरिया अच्छा होगा तो आपको डेफिनेटली मन लगा के पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा। सम ऑफ दी पॉइंट्स विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर मेकिंग द वर्क सेंटर अट्रैक्टिव आर, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक पहला है द साइज़ ऑफ द फर्नीचर इन अकॉर्डेंस विद द साइज़ ऑफ द वर्क सेंटर, स्मॉल एंड लाइट फर्नीचर इज़ डिज़ायरेबल इन अ स्मॉल रूम। तो कमरा अगर छोटा है तो फर्नीचर बहुत भारी भरकम से नहीं होने चाहिए। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड लुक होना चाहिए, ठीक है, टाइडी अट्रैक्टिव थिंग्स होनी चाहिए वहाँ पर। और तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ द इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं मस्ट नॉट हिंडर द मूवमेंट ऑफ द पीपल, मतलब बीच रास्ते में ना आए। सोफ़ा हद से ज़्यादा बड़ा होगा या इतना सारा होगा तो चलने में पैर टकराएगा। टेबल अगर बेतुकी रखी होगी तो पैर टकरा जाएगा, है ना। तो वो सब सेटिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। प्लस कहाँ गया, हाँ, द अरेंजमेंट ऑफ द फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इन अ रूम इन अकॉर्डेंस विद द एक्टिविटी परफॉर्म्ड देयर, जो भी आपकी एक्टिविटी है जिस कमरे में उसी से रिलेटेड सामान वहाँ पर होना चाहिए। जैसे पढ़ाई, अगर आपका स्टडी रूम है, पढ़ाई कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो आपसे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल सिर्फ होनी चाहिए। उसके अलावा ये नहीं कि किचन के बर्तन भी रखे हैं, फिर डाइनिंग टेबल की वहाँ जो चेयर लगी होती है वो भी वहीं जाके पड़ी हुई है, ये सब एक तरह से मिसमैनेज वाली चीज़ें हैं। दूसरा, लाइटिंग, अ वेल लिट स्मॉल रूम विल अपील विद ब्राइट एंड स्पेशियस एज़ कम्पेयर टू अ लार्ज पुअरली लिट रूम, मतलब कि अंधेरा सा कमरा नहीं होना चाहिए, लाइटिंग्स अच्छी होनी चाहिए ताकि एक ब्राइटनेस वाली फीलिंग रहे, ओके, खुलापन महसूस हो। और इन वन रूम अपार्टमेंट ऑल द वर्क एरिया शुड बी सो अरेंज दैट दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। और अगर काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट है आपका, वन रूम अपार्टमेंट है, तो वहाँ पर इस तरीके से आपको सारे अरेंजमेंट करने चाहिए कि हर एक्टिविटी की अलग जगह फिर भी लगे। मतलब अगर पढ़ाई की एक जगह बनी हुई है, एक एरिया छोटा सा बना है, आपने बनाया है अपने हिसाब से, तो वो एरिया पढ़ाई का ही रहना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे किचन का और भी दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नज़र आने लगे। हौच पौच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। और कलर्स कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द वर्क सेंटर एस्थेटिकली। फॉर एग्जांपल, मतलब कि आपका जो कमरा है या आपका हॉल है, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जो आपका घर है, वहाँ पे लाइट कलर्स का इस्तेमाल करिए। जब भी आप वाइट वॉश कराते हैं, पेंट करवाते हैं घर में, तो डार्क कलर्स कभी चूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि घर जो है अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है बेसिकली। फिर आप जितनी भी लाइट्स लगा लें आपको अंधेरा ही महसूस होता है, और बेसिकली उसका असर हमारे पूरे हेल्थ पर, हमारे माइंड पर, मेंटली और देखने में विजुअली हर तरीके से पड़ता है। तो जस्ट ट्राई कि लाइट कलर्स का इस्तेमाल करिए, वाइट कलर यूज़ करिए, क्रीमिश कलर यूज़ करिए, या हल्का सा बहुत टिंट वाले कलर्स जो हैं, हल्के हल्के जो हैं वो कलर्स यूज़ करने चाहिए, पेस्टल टाइप ऑफ, ओके। दूसरा, प्लेसमेंट ऑफ सुटेबल डेकोरेटिव आइटम्स एंड इंडोर प्लांट्स, मतलब कि इंडोर प्लांट्स हो गए या डेकोरेटिव आइटम्स जो भी हैं, वो आपको इस तरीके से रूम में लगाना चाहिए कि वो ये ना लगे कि बस जाके टांग दिया या बस ऐसे ही रख दिया। वो सजावट एक प्रॉपर तरीके से मैनर्स में नज़र आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका पूरा घर, एटमॉस्फेयर सब कुछ अच्छा लगेगा, है ना, ओके। सो फाइनली यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो होता है ख़त्म। आई जस्ट होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें इसमें बताई थी, इसमें कुछ टफ नहीं था, लेकिन स्टिल एक बार इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं पे डाउट होता है तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पे नहीं हुए तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।